हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास 7th। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आपके आगे के क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज 8। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज हमारी 8 है, इसके कुछ क्वेश्चंस हम करा चुके थे फर्स्ट एंड सेकंड, और थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ सेम है बिल्कुल, तो थर्ड करा देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू 7:5 एंड बी रेशियो सी इज इक्वल टू 9:14, फाइंड ए रेशियो सी। तो ए रेशियो सी हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को फ्रैक्शन की फॉर्म में नोट कर लेते हैं। जो भी वैल्यू हमें गिवन है हमने यहाँ लिख लिया है, ए रेशियो ए अपॉन बी इजिकल 7:5 और बी अपॉन सी इजिकल टू 9:14। देन हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बोथ द फ्रैक्शन। जितने भी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना, लेफ्ट साइड लेफ्ट से मल्टीप्लाई होती है, राइट साइड राइट से मल्टीप्लाई होता है, हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। एंड देन उसके बाद ऊपर नीचे जो कट हो रहा है उसको कट कर लेंगे। बी से बी कट हो रहा है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में 7:14 कट होता है। कट करने के बाद जो भी हमारा रिमेनिंग बचे उसको नोट कर लेंगे। ए अपॉन सी बचा लेफ्ट साइड, और राइट साइड में 9:10 बचा। तो मीन्स दैट आपका ए रेशियो सी इज जस्ट इक्वल टू द 9:10। इस तरीके से आपने ए रेशियो सी की वैल्यू फाइंड कर ली। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 एक जैसे हैं तो इनको हम करेंगे। ए रेशियो बी 3:5 दिया हुआ है, बी रेशियो सी 10:13 दिया हुआ है। फाइंड करना है ए रेशियो बी रेशियो सी। इस केस में सबसे पहले हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नोट कर लेंगे जो भी वैल्यू हमें गिवेन है, और हम चेक करेंगे कि बी वैल्यू कितनी है। आप देख सकते हैं बी की वैल्यू पहले फ्रैक्शन में 5 है, दूसरे फ्रैक्शन में 10 है, तो हमें बी की वैल्यू सेम करनी है। सेम करने के लिए आपको पहले फ्रैक्शन में कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का। फर्स्ट फ्रैक्शन में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि सिंगल टर्म में मल्टीप्लाई करने से काम नहीं चलेगा। तो सिंगल हमने दोनों टर्म्स में किया, 3 × 2 और 5 × 2। तो ए रेशियो बी इज जस्ट इक्वल 6/10 और बी रेशियो सी इज इक्वल टू 10/13। तो यहाँ से आपका ए की वैल्यू हो गई 6, बी की हो गई 10 और सी की हो गई आपकी 13। तो इस हिसाब से आपकी ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू हो गई 6:10:13। ओके श्योर। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है डिवाइड रुपीज 360 बिटवीन कुणाल एंड मोहित इन द रेशियो 7:8। यहाँ पे कुणाल और मोहित को 360 रुपीज को डिवाइड करना है 7:8 में। तो हमें जो कुणाल और मोहित का रेशियो दिया है उसको हम कर लेंगे टोटल, तो हो जाता 15। अब बात करेंगे कुणाल की, तो कुणाल के पास जो पोर्शन है वो है 7 पोर्शन है आउट ऑफ 15 मल्टीप्लाई बाय 360। 315 से डिवाइड दिया 360 फॉर 24 टाइम, 24 × 7 = 168। सेम एज कुणाल की बात करें, कुणाल के पास पोर्शन है 8 पोर्शन आउट ऑफ 15 मल्टीप्लाई बाय 360। 15 / 360 = 24 × 8 = 192। तो इस हिसाब से यहाँ पे कुणाल के पास 168 रुपीज़ होंगे और मोहित के पास 192 रुपीज़ होंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने निकाल दी दोनों। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 को लेते हैं। वर्ड नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 9:16 टू मेक द रेशियो 2:3। वो कह रहा है 9:16 में हमारे एक टर्म में क्या ऐड करें कि उसका रेशियो 2:3 हो जाए। तो हमें तो नहीं पता वो नंबर क्या, तो हम लेट द नंबर बी एक्स, उसको एक्स मानेंगे और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम उसको ऐड करके 2/3 के इक्वल रखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई 9+x का मल्टीप्लाई 3 के साथ एंड 16+x का मल्टीप्लाई 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 27+3x = 32+2x। 2x जाएगा लेफ्ट साइड में और 27 जाएगा राइट साइड में। 3x - 2x इन द लेफ्ट साइड, 32 - 27 द राइट साइड। तो x इज जस्ट इक्वल टू द 5। इस तरीके से हमारी x की वैल्यू निकल के आ गई 5। जो रिक्वायर्ड नंबर है वो निकल के आ गया 5। ओके, तो हमने यार 10 तक क्वेश्चन करा दिए। आपका जो होमवर्क है वो है कंप्लीट क्वेश्चन 3 टू क्वेश्चन नंबर 11 इन एक्सरसाइज 8A फ्रॉम योर बुक। आपको अपनी बुक की एक्सरसाइज 8A के क्वेश्चन 3 से लेकर 11 तक के सभी क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।